आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है। आप लोग जानते भी हैं, कभी अगर कोई बाप दुख में होता है तो उसको दो दुख उसके कंधे पर जब खड़े हो जाते हैं तो वृद्ध पिता टूट जाता है। एक जवान बेटे की अर्थी अगर वृद्ध बाप के कंधे पर पड़ जाए तो कैसा महसूस होता है, आप सारे लोग भली भांति जानते हैं। एक गरीब बाप के सर पे बेटी का जब भार पड़ता है, भार कभी ने दिया है क्या?
नाम से भारत का नाम याद था, मुल्क बंटवारा हुआ तब से हिंदुस्तान बना, छोटे भाई का हिस्सा नाम पाकिस्तान बना। कसम जो बापू दिया, कसम जो बापू दिया, वादा ना भुलाना है छोटे भाई का ना। कभी लिखत हूं हमारे देश का प्रथम नाम आर्यावर्त, आर्यावर्त मेरे देश का नाम। जब हमारा देश विभाजित हुआ जवाहर लाल इधर से और जिन्ना साहब उधर से, दोनों लोगों के बीच जब बंटवारा हुआ तो मेरा देश हिंदुस्तान और पाकिस्तान में बदल गया। पाकिस्तान का मतलब ए मास्टर साहब, पाकिस्तान का मतलब पाक, पाक का मतलब इराक, मियां लोगों का ना पाक इरादा हो। जिसका मुसल्लम ईमान वही है मुसलमान, लेकिन हम कहिला कि जिकर पूरा मुसल्लम खराब हो। इसे दू जन बाछा काटत रहा पकड़ा गई, पकड़ा गई तो सुरेंद्र दरोगा लगल खा दे, तीन दिन बोरगी में रहो पट्टा जब में चला रहा भाव हो तभी गौर करिया। हमारे देश के नौजवानों ने घास की रोटी खा करके, नाले का पानी पी करके अपने देश को आजाद किया है। ऐसी एक वीर जवान की गाथा मैं सुनाने जा रहा हूं, बहुत दूर नहीं जहां आप खड़े हैं, यहां से मात्र 30 और 35 40 किलोमीटर की दूर की कहानी। एक जवान मां का इकलौता बेटा, चार बहनों से छोटा, जिसका नाम गुलाब बताया गया, और सन 95 में फौज में भर्ती हुआ, आता जाता रहा। हमारी बात करने था मत लीजिएगा भाइयों। अब मैं पूछना चाहता आप लोगों से सवाल, मास्टर साहब यही हिंदुस्तान की मीडिया है जिसको मोदी मीडिया कहा जाए या गोदी मीडिया कहा जाए, मैं कोई इसी पार्टी विशेष की बात नहीं करता। रिया और कंगना का सवाल, सुशांत सिंह का जब सवाल आता है, कभी जी तो यही मीडिया के लोग ढूंढ निकालते हैं कि सुशांत सिंह के कमरे में ड्रग्स कहां से आया, सिगरेट कहां से आया, उसकी चड्ढी की वो क्या नाम है, सिलाई कैसे टूट गई, ये मीडिया वाले खोज लेते हैं। मैं मीडिया के मक्कार लोगों से सवाल करना चाहता, हिंदुस्तान में लोकसभा का प्रचार और प्रसार चल रहा है, और पुलवामा में जहां परिंदा पर नहीं मार सकता, जहां पर लाखों राडार लगे हैं, वहां पर 3 क्विंटल 65 किलो आरडीएक्स लेकर कहां से आ गया, बिलाड़ी कहां गया, और वो भी 2.5 मिनट गाड़ी के आगे पीछे चला, फोन से वार्ता भी किए, लेकिन आज तक कोई मीडिया वाला पता नहीं पाया कि 3 क्विंटल आरडीएक्स कहां से आया और मारुति कार किसकी थी। सोचने का विषय। अभी आप लोगों ने चंद दिनों देखा है विकास दुबे का सवाल आया, जब उसको पकड़ करके लाया गया महाकालेश्वर जालौन, जालौन से महाकाल मंदिर से, तो गाड़ी कुछ और थी, जब रास्ते में पलटी तो महिंद्रा की हो गई, और फिर उसको मार भी दिया गया। अब माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा था कि यह गाड़ी नहीं पलटती तो उत्तर प्रदेश की सरकार पलट गई, इसमें मीडिया वाले बड़ा क्वेश्चन किए। लेकिन आज मैं अपनी व्यथा बता रहा है, आपकी व्यथा नहीं, अपनी व्यथा बता रहा हूं, जब मेरा देश उस कागार पे जा रहा है कि आपके और हमारे बच्चे कोई स्कूल नहीं जा रहे, बस में जाओ कोरोना नहीं है, चार बच्चे गांव के स्कूल में पढ़ेंगे तो कोरोना हो जाएगा,
अरे पागल कब हम बनेंगे, जब हम अनपढ़ होंगे, किसी से सवाल नहीं करेंगे। कोई कह देगा कि सीता माई के रावण ना दुशासन चुरा के ले गया, तो कह दे हाँ ठीक है, हमको जानकारी है रावण चुरा के ले गया तो कैसे हम मानेंगे कि दुशासन ले गया। हमको गंवार बनाया जा रहा है और हमारे खेत में इतने सांड और गोरू चल रहे हैं, हम बस 2000 रुपए पर महीने के राशन पे हम आधारित होने जा रहे हैं। अब या नहीं, पहले का जमाना आएगा, मल्ला मछली मारेगा, यादव भैंस चराएगा, चौहान अपना काम करेगा, राजभर अपना काम करेगा, पटेल अपना काम करेगा, लेकिन हम हिंदुस्तान में चार वर्ण बनाए लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, शूद्र में 6500 जात, 3647 जात है जिनको हमको आपको तोड़ करके, चमार भाई है, पटेल भाई है, मल्ला भाई है, चौहान भाई है, राजभर भाई, सारे लोग हैं, लेकिन बाबा अपने बिटिया का ब्याह करिए मिश्रा जी में, मिश्रा जी अपने बिटिया के दुबे जी में, दुबे तिवारी जी में, तिवारी पचनारी जी में, चुनारी जी में, लेकिन वही को ढंडोरे में कह दे तो मार हो जाए। सुनिया तरी चौहान भाई अपने बिटिया के शादी अगर मलाह में कह दे मार हो जाए, और अपने बेटा का शादी कोनो अदर में कह दे तब बड़ी बुराई हो करा तो पंडिते से करा नहीं तो ठाकुरे जैसे अखिलेश के लिए। मैं तो कहना चाहता कि आप नहीं जागोगे तो मेरा देश उस कगार पे जा रहा है। देखिए भगवान कृष्ण गीता में कहा, बड़े भाई बैठे हैं आप जो सुख सागर पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, भगवान कृष्ण ने कहा है ईश्वर तो विश्व का कोई भी हो सकता है, परमात्मा बन सकता है, राजा बन सकता है, लेकिन पालनहार वही है जिसको किसान कहा गया है। सबसे बड़ा भगवान वही है जो पालन करवाता है, अन्नदाता है। इस देश को कृषि प्रधान देश कहा गया, लेकिन आज किसान रोड पर खड़ा है, बिल्डर खेत में खड़ा है। भा है, गौर करिएगा, बाबा साहब की बात मैं करता हूं कि बाबा साहब को केवल सिर्फ चमार मानता है, यादव और पटेल, चौहान, राजभर और अदर बिरादरी क्यों नहीं मानती? अगर बाबा साहब नहीं होते तो आज हम वहां होते जहां हम अभी सोच नहीं पाते। मैंने गीत गाया है, कैला शुरुआत बुद्ध ऐली हरियाली, बन गई ना ज्योतिबा जो ने बगिया कमाली, बाबा भीम से चल फिर चमनवा बाबूजी, सह के अपार पीरा लिखल संविधानवा बाबूजी। उनके साथ कितना न्याय, क्या किया गया, भाव छोड़ दीजिए, आगे चलिए, मैं बिरहा में बताते जाऊंगा और गौर भी करते जाइएगा। जवान का जब सीमा से सरहद से जब लेटर आयल तो ही बनकटा हरैया ब्लाक जे भाई गैल हुई, क्यों गैल हरैया ब्लाक, जियनपुर के गैल है ना, जियनपुर से बगलिया में हरैया ब्लाक बाजार गोसाई है, वही चौराहा पे आई के तिरहवा पर गुलाब चाय पियत हुआ छुट्टी पयाल हुआ, तब तक एक जन संदेश दे रहा कि भैया तुम्हार माई घरवा से बनोली है, काहे के घरे गई हो, माई लेटर जो ने सुन अपने बेटा के हाथ में थमोली है, बेटा है तुम्हार लेटर आये पढ़ लाए के खोल के जने सुन गुलाब पढ़े लगला, तो पढ़ना का एक बटालियन टीम समाप्त हो गई है, दूसरे बटालियन में गुलाब की ड्यूटी है, एक बटालियन का मतलब 2000 फौजी, डॉक्टर साहब एक बटालियन का मतलब 2000 फौजी मारे गए, दूसरे बटालियन में हम जाने वाले हैं। होता है क्या, जवान जौन समय लिखना पढ़ अपने कर्नल सौदागर सिंह यादव को पढ़ के और आस पोस की माई से कहना, माई अब भैंस भी आई इंदर ना खा पाई तो देखिए हम सीमा पर जाते हैं, जैसे चलने लगे बिना में कहीं तरह बदल गया। गर्म भरी बच्ची कौनों मेहरारू
से कौन मरद पहले ना है, कौन मरद से कौन मेहरारू पहले ना है। देवर रखा बिगड़ल बात बिगड़ल पाचाल गोरा धाके कटल सकाल देवरा का देवरा को बिगड़ल पाचाल गोरा धाके कटल सकाल भाग्य जबरी तुरल बेटा हो गई ना तैयार माई चूमे नहीं हो लीलार बेटा हो गई ना बेटा हो गई ना तैयार माई चूमे नहीं हो लीलार भारत माँ का करिया रखवरिया ये बेटा हो खबरी आए बेटा हो सीधा मात पहिला पकड़ी आए बेटा हो सीधा मात पहिला अरे अरे ती उतार माई अपने सुबह नवा के करवा लगाई कहाँ सरहद के समाचार कहाँ सरहद के समाचार माई चुमेले होली यार आशीष आशीर्वाद लेके बेटा गुलाब आजमगढ़ बाजार गोसाई हरैया ब्लॉक से 2 किलोमीटर एक बघावर तिराहा है। जयप्रकाश भैया बिरगुंडा से आ गया, उसमें जाने के लिए लड़के को बुलाया कि बाबू आओ और चला जा हमको छोड़ दो। जैसे ही गुलाब घरवा में से दोनों बैग कंधा पर लेके निकलने लगा बाबू धान के सोनी कह के आके बिरजू और ठटिया पर सुतल हो सारा में दोनों बैग अब फौज वाली वर्दियां चढ़ाए के जूता चढ़ाए के हाली हाली अपन बरवा टंगी से समारत हो सीसा लेके दुनहिया इसरावती नहाए के घरवा में सिंदूर पहनत रहल गुलाब जयप्रकाश भैया सिंदूर पहनत रहल वही महीना के अंदर 2-4-10 दिन के अंदर इसरावती के बच्चा पैदा होके वाला है। दिखलस की जात हो इशारा कैलस मास्टर साहब ए जात हुआ
कचकड़ा के राह जाता हुआ और रोने लगा, रोने लगी दूल्हा। फौजी जवान मुड़ा, दोनों बैग जमीन पर रख दिया, बढ़ के आगे अपने पॉकेट से रुमाल ले निकाल के अच्छे से इसरावती का आंख पोंछ के कहा कि इसरावती तेरे आंखों में आंसू का पपार सुमा नहीं देगा, तुम एक देश के बहादुर की दुल्हन हो, क्यों रो रही हो? हंसा लगल कमले ही बा कुछ कहा के रह जाता हुआ एक लाइन तरत बदल गई मास्टर। रंगल बाटू लाल लाल वो चल रहा है और 2002 की हम लोगों की मित्रता है, हमारे साथ हारमोनियम बजाते हैं भाई साहब श्री रामायण यादव पूर्वांचल नहीं उत्तर प्रदेश और बिहार के सारे कलाकार आपको जानते हैं, स्वागत करता है शोकलाल यादव सभी साथियों को बहुत बहुत प्रणाम। इलाहाबाद सुनने वाले भैया तुम सब गौर करिहा फौजी बलमुआ पीर गोरिया फौजी जवान अपने दुल्हन को समझाता है ऐशरावती तेरे आंखों में आंसू का पप्पा सुबर नहीं दिया, क्यों रो रही है? कहलस किए जी कौ भाई बो तेरे हमके तुम्हें बता के जाए। फौजी जवान कहा कि जल्दी आ जाऊंगा जैसे ही अखबार पढ़ लो, तब तक छोट बहन संतोष भाई प्रधान जी छोट बहन जोने का नाम फूलमतीरा और हमारे स्वर्गीय चाचा जिनके अंत्येष्टि में हम लोग आए उनके सुपुत्र श्री जैसे ही फौजी जवान बढ़न आगे दोनों बैग लेके तब तक छोट बहन फूलमती सोना भरसी बहन आए कि भैया का रास्ता रोक ले संतोष भाई, भैया का रास्ता रोक के बात कह लगल कहो ए भैया गुलाब भैया चातवा राखी बंधन पर घर ना आए बका। अरे पगला जब जब तू सीमा पर रात रला तो के रजिस्ट्री राखी भेजी ला अपनी घरे अलवा संजोग से राखी बनवा के जब भैया अपने बहन की बात सुना फौजी जवान का इशराती अपनी बार राखी बंधन का त्योहार घर मनाऊंगा क्यों घबराई पड़ी है चल ना बिरहा में तरस बदल गए मास्टर। हमारो मेहरारू के जब लेवे के रहा था कलिया करना तब ना देखिया मेहरारू के जब से खड़ा
मरो मेरा ने चढ़ वाले निकाले की अजी अखिया में हिक्का लगा वो कुछ दला कुछ बार रहा ना कहो है का बात रे भाई और ना कलिया के ना बहन जी ना मन भगवान ने कहा कि ना तीन जने के लिए दे ले कितने हैं ये ना पंद्रह पता ना अपना क्या ये अरे तू कहा तो देखा चल आवा सरगो सुजिया चट चट फदला हाय मद मगम चलैया मंगो आज के बाजे बाजे सुजिया चट चट जवान पहुंचा है सीमा पर
उसकी ड्यूटी उरी सेक्टर 31 बटालियन में लगी है, जवान की ड्यूटी दे रहा है, चार दिन ड्यूटी दे रन डॉक्टर साहब। आज चौथा ही दिनवा माई के घर से फोन गए और जवान उस समय अपने साथियों के साथ है, हाउ फोन जबका दिया जो न उठा के तार वाला गया फोन। एक साथी बुलाया, खाना की समय हो गई थी, बुलाया जैसे दौड़ा जवान गया फोन उठाया, हेलो के माई ये बाबू ठीक हुआ ना? हाँ माई, और बताओ कुल समाचार, खेत बारी कैसे है? माँ का एक लौता बेटा था, पांच चार बहनों में छोटी वाली बहन से बड़ा था, तीन बहनें बड़ी थी। और माई कहने के बाबू बेटे खुशखबरी बताए, जल्दी से बताओ, तू बाप बन गईला बेटा, तुझे दुल्हन की लड़का बन, बहुत खुश है। साथियों को जय हिंद श्लोक बोल रहा है, सारे वादे हो रहे हैं कि कब खर्चा करोगे, क्या खर्चा करोगे, क्या खिलाओगे, जवान समय दे रहा है। लेकिन ये पंचो तीन दिन वहां ड्यूटी देने के बाद वहां से ड्यूटी आई, इनका चेंज हो गया और 12 फौजियों की टुकड़ी लेकर के मेजर सौदागर सिंह यादव लगाते हैं ड्यूटी बाघा के बॉर्डर पर। होता है क्या, भैर का मास्टर विदेशी अप्लाई में नात, अरे बोरी अंगुरी से घिसनी रे, कह रही जो गोत ना ढूर रे विदेशिया। लेकिन जवान का ड्यूटी बदलल है, उस मत ने साहब से कहने का कि घरवा जाए के बात, अरे 28 तारीख आके, अरे जो है डागर बुर छोट की बगनिया। जवान कह रहा कि साहब मुझे वहां मत लगाओ, क्यों मुझे 28 तारीख को घर जाना है और मेरा बच्चा मूर में पड़ा है और राखी बंधन का त्योहार भी करीब है, साहब मुझे मत रोको, मुझे वहां मत भेजो। लेकिन सौदागर सिंह ने कहा क्या, अरे सबसे बड़ा कर्जा होला, अरे भारत के हतिया के, अरे भल गोली लगी जैया। अरे पगला तो गोली से डर रहा, कितना तड़तड़ाती है गोली, और तेरा भाई सौदागर सिंह इटावा से आकर के, और मेरे दो भाई और भी सरहद में है, क्या डर रहा है। तब फौजी जवान की इतना अंदर ज्वाला फूट गई कि जवान ड्यूटी पे जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन जाते जाते अपने साथी से बात और कह दिया, अरे चार रे बहिनियन कई कई बिना लावा आई हक कहीं के रोवना बाबूजी। यही कहा कि मैं चार बहनों का इकलौता भाई हूं, मेरे पिता बूढ़े हो गए, यही कहकर के फूट कर रो दिया। बाढ़ आ रही है, सरकार किसकी थी, गौर करने का सवाल है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी, कहा केंद्र में, अब गौर करने का विषय होता है क्या। चल नौजवान अरे यहाँ नदिया मार
निशाना बना करके गुलाब बैठा है। टाइगर हिल्स की ऊंची चोटी पर अपने साथियों के साथ है। आग में सूर्य की ज्योति लग रही है। फौजी जवान बार बार अपने मेजर सौदागर सिंह यादव को समझा रहे हैं कि सर हम रात में चढ़ाई करेंगे, नहीं दिन में चढ़ाई करेंगे। लेकिन 1:55 होता है और फौजी जवान गुलाब अपने गन की गोली चला करके 5 पाकिस्तानियों को मौत की घाट उतारा। और दुश्मन की पहली गोली जब गुलाब के कलेजे में लगती है तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लेकर के अपनी गन लेकर के लड़खड़ाने लगा जवान और साथी पोजीशन लेने लगे, तैयार हो गए। पाकिस्तानियों का मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं लेकिन गुलाब चंद को अपनी जान पर सुला करके एक सौदागर सिंह यादव इटावा जिला एक सवाल कर दिया, क्या रे पगला? अरे पगला, तू तो वादा किया करता था ना कि टाइगर फिर नहीं इस्लामाबाद में भारत का तिरंगा लगाएगा। टाइगर हिल्स की ऊंची चोटी बहुत दूर नहीं है रे गुलाब, बस हम करीब आ गए हैं रे पगला, भारत का ध्वज लहरा दे गुलाब। गुलाब कहां रोक करके साहब, मैं तो जा रहा हूं लेकिन एक काम कर दीजिएगा। क्या कह रहा है सरंगा कलाई मास्टर? साफ साफ कहिया भैया, साफ साफ कहिया हो, विजयी हो गईला तुम्हार लाल जी। पूछी भैया तो धीरज धरिया भैया, उनकी समझिया भैया, रखिया का करी है नामा लाल जी। लेकिन भैया हमरे बहन के समझा दिया, हमरे माई के समझा दिया, बताया कि तुम्हार बेटा शहीद भैया जरूर, लेकिन तुम्हारे बेटा के पीठ में गोली ना माई, तुम्हारे बेटा के सीना में गोली लगल, कुछ पाकिस्तानी के मार के तुम्हार बेटा शहीद भैया, तुरे दूध की कीमत दुश्मन से लड़के चुका दिल तुहार बेटा। लेकिन हमार जब अभी 25-26 दिन का बच्चा लेकर के मेरी दुल्हन जब श्रावती आएगी तो उसको कह दीजिएगा भैया, क्या कह रहा है भूजी जवान? कि गोदिया में ले हले तो अधरा सुगलवाल भैया, छोटे का सुगलवा था धीरज दिया उनके पास।
किया, मेरी दुल्हन को समझा देना, यही कहा करके भारत का वह बहादुर कुछ और कहना चाहा, लेकिन हाथ उठाया और आखिर नम हो गई, भारत का वह बहादुर शहीद हो गया। टेरी की लाइन में भाव मत तिरंगा तिरंगा भारत माँ का रो दिया, अरे तिरंगा भारत माँ का, ओ तिरंगा भारत माँ का रो दिया, अवली अवली अंबर सिसके रोती जब अवली अंबर सिसके रोती जमुना गंगा तिरंगा भारत माँ का रो दिया। लेकिन साथियों जब जवान की बाड़ी आती है हेलीकॉप्टर द्वारा 31 बटालियन अबाघा बॉर्डर पे आती है जवान की बाड़ी, और वहां से विमान द्वारा जवान की बाड़ी कहां आती है, दिल्ली, दिल्ली लाल किले पर अटल बिहारी वाजपेयी ने जवानों को सम्मान किया, गार्ड ऑफ ऑनर देकर के जवानों का सम्मान किया गया, और एक साथ जो बाबतपुर हवाई अड्डे के लिए कई बाड़ियां आती है, उससे पहले आपने पढ़ा है कि रमेश यादव की बाड़ी आती है, उससे पहले रामस्वरूप यादव की बाड़ी आती है, जब तीसरी बाड़ी सगड़ी विधानसभा के आजमगढ़ जिले के सगड़ी विधानसभा पूर्वांचल में जब बाड़ी आती है, एक कोहराम सा छा गया। भाव है मास्टर अभिमान तारा नसिया गईली आई माई रोवली, मास्टर साहब आजमगढ़ जब गम में गयल नहाई माई रोवली, प्रशासन द्वारा लसिया गैली आई माई रोवेली। संतोष भाई सगड़ी में तीन तीन बाड़ी आती है, उसी बगल में सटा विधानसभा, राम समझ यादव रमेश यादव गुलाब चंद पटेल और बिरलियागंज के बगल में पड़ता है गोपालपुर विधानसभा, जब राम भवन यादव की बाड़ी आती है, चार चार केवल 20 किलोमीटर के अंतराल में चार चार जवान शहीद हुए। उस समय होता है क्या, जौने समय रौला पार थाने पर जवान की बाड़ी आती है डीसीएम द्वारा बाबतपुर हवाई अड्डे पे, माननीय शेर पूर्वांचल रमाकांत यादव बलराम यादव दुर्गा प्रसाद यादव कमला प्रसाद यादव और साथ में राम प्यारे सिंह मंत्री समाजवादी पार्टी पहुंचते हैं वहां पर, और बाड़ी आती है कहां रौला पार थाने पर, थाने पे आई तो जवानों ने जवान का सम्मान किया सलूट दिया, और उसके बाद एक लल्लन नामक पटेल बुलाने के लिए पहुंचा है बिरजू सिंह के घर सभा पाठक पे। उस समय का भाव मैंने तो अपने आंखों से देखा है, कोई कापोल कोई काल्पनिक भाव नहीं है, मैं बता रहा उस समय होता है क्या, बिरजू धान की सोनी करके सोए थे और जाके अचानक गुण लल्लन पटेल बताया कि चाचा तो हम लेकर आए हो थरवा पर और दरोगा साहब बोलूंगा सुना मार बेटा, अरे जो 28 तारीख है आ गई ना बड़ा समय से मूल पूजा गई बहुत संयोग से आ गई, लेकिन उस समय का भाव है होता है क्या, अरे आजम जब कब आई माई रोवली अब शासन द्वारा लसिया गईली आई माई,
छत्रवासी सभी ये भैया अरे गम कयास बहायो लेके दक्षिण वाले गेटवा को उतार दिया। ललन पटेल और गाड़ी खड़ी करने लगा। नीम के पेड़ के नीचे आप देखे हैं भैया मास्टर साहब, जैसे ही गाड़ी खड़ी कर रहा तब तक बिरजू पटेल भीड़ को चीरते हुए अंदर गए। कृष्ण भैया बहुत भीड़ बा, एक वृद्ध आदमी ने बचाया, बतौला कि भैया भीड़ या ऐसा पहा के थे बिरजू पटेल हो उन्हीं का लड़का लाश आई है। अरे पाप रे बाप, एक पाप अपने बेटे को रिसीव करने के लिए जा रहा है कि मेरा बेटा सरहस से आया है, कुछ सामान लेके आया है। राखी बंधन का त्योहार तो कल 27 तारीख को बीत गया, लेकिन आज उनके लड़का का मुंह समय से आगे लग चाहते हैं। आई हो बेटा कह के बिरजू वही जमीन पर धाराशाही हो गए उठा के लोग, लेकिन इलन के हाथ बिरजू पटेल यह हो ले गए डीसीएम में एक बार बेटे की, बेटे का फोटो ऊपर रखा है, माला पहना है, संदूक पैक है। आई हो बेटा कह के भर अखबार भर लो संदूक के, और वही बिरजू पटेल बेहोश हो गए। एक घंटा नहीं बल्कि 2.5 घंटा बेहोश हो। गाड़ी आती है डीसीएम जवान की बाड़ी लेकर के सपा पाठक में, यार फोन मत देख ली की गाड़ी और बहुत लोग आओ तो मारी सारा कह तुम जल्दी से मोलिया में भेली और पत्रमा धोके लेके आ, तो भैया आ गए। और जैसे गाड़ी दरवाजे पर हजारों हजार की भीड़, एक संदूक जो उतारने लगी पुलिस के सेना के जवान, 4 जवान और साथ में उनके कर्नल भाई सौदागर सिंह यादव। पार्टी का वो खुलता है, बहिर आए के भैया आई हो भैया आपके करी कलाई पे राखी पादर हो भैया, बेहोश हो जाती है और मार हो रही है, साड़ी छूट गई, बाल बिखेरे पड़े हैं। बिरजू पटेल तो अचेत अवस्था में पड़े हैं, लेकिन एक छोटा मासूम बच्चा लेकर के दुल्हन और रोती हुई उसी पहाड़ी के पास एक सवाल कर देती है। क्या सवाल कर रही है? आधा कलाई कि हाय राम कि धन्य धन्य आजमगढ़ अरे या धन्य बाधरतिया भैया को अपने प्रीतम की लाश पे सुला देती है। सारे लोग ऐसा महसूस नहीं हो रहा कि गुलाब मरा पड़ा, नहीं गुलाब सही गई है, गुलाब सोया है। बाबूजी के जैसे ही बेहोशी छुटल अपने बेटा गुलाब का हाथ पकड़ के उठाओ तो अरे पगला कभी मेरे सामने तू
सोता नहीं था ना, आज सोया। उठ जा बेटा, उठो, उठ जाए बेटा, बहुत लोगों का भीड़ है बेटा, लेकिन भाव है लेकर के लोग बाड़ी। अब ज्यादा बताने की जरूरत नहीं मास्टर, हृदय की वेदना है डॉक्टर साहब। अब एक मुद्दे की बात मैं बता दू, जवान की बाटी तो जा रही है दोरी घाट, लेकिन उससे पहले मैं बता दू, आजमगढ़ में 2014 में जवान शहीद हुआ जिसका नाम पन्ना लाल यादव बताया गया। मां का नाम कुंती देवी, पिता का नाम खुदई यादव, लेकिन जवान की जब बाड़ी आई आजमगढ़, तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र माननीय अखिलेश यादव जी, उत्तर प्रदेश सीएम, 20 लाख का चेक दुर्गा प्रसाद यादव वन मंत्री द्वारा पहुंचवाए, और कहे कि उनके घर में जाकर के पता कर लो कैसी स्थिति है, उसके बाद मुझे बता देना। पुष्प चक्र लेकर के माननीय दुर्गा प्रसाद यादव पहुंचते हैं, सम्मान किए। रमाकांत यादव उधर पार्टी में थे, वो भी जाकर के 5 लाख रुपया दिए। बलराम यादव 5 लाख। ऐसे ही जवान के घर में हमको अंदाजा है सुखदेव राजभर से लेकर के तमाम नेता पैसा दिए, करोड़ों रुपए हुआ। लेकिन माननीय अखिलेश यादव किसान दुर्घटना में किसान को 5 लाख का चेक देते, आज 3 लाख हो गया, घट गया। लेकिन मैं बताना चाहता मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, देवरिया का एक बेटा शहीद हुआ, आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, जिसका नाम बताया गया वीरेंद्र भारती। वीरेंद्र भारती की जब बाड़ी आती है, इसी शासन में भारतीय जनता पार्टी के शासन में, तो मोदी जी वहां जोगी जी पहुंचते हैं, और जोगी जी को चलने के लिए कालीन बिछाया गया, बैठने के लिए सोफा लगाया गया, खाने के लिए काजू बादाम मंगवाया गया, पंखा नहीं बल्कि एसी लगवाया गया। और जाते समय एक फौजी जवान के परिवार को उन्होंने 4 लाख का चेक दिया। माननीय अखिलेश यादव ने टिप्पणी किया है, आप लोग देख लीजिएगा उस समय, कि मेरी सरकार होती तो मैं ऐसे जवानों को कम से कम 20 लाख रुपए का चेक देता। और माननीय मुलायम सिंह यादव अगर नहीं होते तो आज जवानों की बाड़ी हम समझते हैं कि उनके घर नहीं आती, इसलिए कि माननीय मुलायम सिंह यादव 1995 में रक्षा मंत्री हुए, लेह लद्दाख और पुंछ राजौरी में हेलीकॉप्टर उतारने का काम किए। प्रधान जी माननीय नेता जी लेह लद्दाख पुंछ और राजौरी में हेलीकॉप्टर उतारे, आज तक ऐसा कोई रक्षा मंत्री पैदा नहीं हुआ। कहे जवानों अगर उधर से कोई ईंट फेंकता है तो पत्थर से जवाब दो, कोई गोली चलाता है तो तोपे चला दो। और मुलायम सिंह यादव कहे एक किसान खेत की रखवाली करता है, उसका बेटा सरहद की रखवाली करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जवान की बाड़ी नहीं जाती है। मुलायम सिंह यादव ने कहा कि मैंने कई बार देखा है, पढ़ा है कि जवान को मृत घोषित कर दिया जाता, शहीद मान लिया जाता है, काम खुर्सी हो जाती है, मूर्तियां लग जाती है, बाजारे बन जाते हैं, स्मृति बन जाती है, 6 महीना साल भर 2 साल के बाद जवान घर भी आ जाता है। तो जवान अगर शहीद होता है तो उसकी बाड़ी उसके घर जाना चाहिए, और बाड़ी के साथ साथ उस समय 50,000 और 1 लाख का चेक दिया जाता था। मुलायम सिंह यादव ने कहा नहीं, उसके परिवार को, शहीद परिवार को कम से कम 10-10 लाख का चेक देने का काम मुलायम सिंह यादव ने किया है। यह देश का शासन और देश का प्रशासन है, गौर करने का सवाल है। जब सवाल की बाड़ी चलती है अल्लाह का भाव हुआ टिकाए वाला कर।
बावन तट पर दोहरी घाट में, जिसका महत्ता आप लोग जानते हैं, दो हरी, जहां राम और परशुराम दोनों लोगों की मुलाकात हुई, तो उस बाजार का नाम दो हरी पड़ा। अब मैं बताना चाहता, दोहरी घाट के पावन तट पर, माता सरजू के घाघरा के निर्मल धारा के तट पर जब जवान की बाड़ी लगी, चीता लग गया, जवानों ने गार्ड आप आनंद देकर के जवान को सलूट किए, और जैसे पचवा फेरा में बिरजू अपने बेटा के मुख में आग लगाना चाहते हैं, गिर गए आपका मसाले का ना, ना सह हमरे हीरा के जगादा, अरे जिगरे खातिर सब कुछ छोड़ दे ली, हम आगे आगे साइकिल चलावत रही, हमारे बेटा गुलाब पीछे से दौड़ लगाओ, हमारे बेटा के एक बार जगा था, हमारे बाबू सुतल, सारे लोग समझाते हैं चाचा आपका बेटा हिंदुस्तान के इतिहास में, भारत के इतिहास में ऐसा नाम रोशन किया है, जब जब भारत का इतिहास खोला जाएगा, पन्ना पलटा जाएगा, तो आपके बेटे का इतिहास पढ़ा जाएगा। लेकिन चार दिन से बेहोश जो बहन पड़ी है, जवान की बाड़ी जला करके, लाश जला करके लोग घर आए, छोटी बहन फूलमती, आप लोग पढ़े होंगे, मास्टर साहब आनंद हॉस्पिटल आरटीसी आजमगढ़ बिलरिया की चुन्नी, वहां पर चार दिन तक बेहोश थी, चौथे दिन जब होश आया तो लेके लोग आए, भोर में आती है, आठ बजे एक दुल्हन पड़ोस का चंद्रभान का औरत, जैसे दत्वन लेके लिखी बही तक दत्वन कहला मतुआ सांतवा, जैसे दत्वरिया पूछत चौबा चारपाई के हाथ रख के दत्वन करतवा, तब तक अचानक भैया के गल और वर्दी में तस्वीर वही दरवाजा के ऊपर लगल, देखलस रोवे लगल, उतार के तस्वीर एक सवाल की लसों से, कभी जी चंद्रमणि मास्टर हमारे रमाई भाई बैठे हैं, यह गाना मैं आज नहीं, अगर आप प्रधान जी नहीं कहते तो मैं नहीं गाता, अब भूल गया हूं इसको, लेकिन आज नहीं बल्कि आप लोगों का आशीर्वाद है कि 2001 से मैं विरह शुरू किया हूं, तब से मैं इस विरह पर लोग मानते भैया तेरे हम सुना देवा, चाहे आपका चंडीगढ़ हो, चंडीगढ़ में भी जयपाल सिंह यादव जो भूतपूर्व डीएसपी थे, हमारा सम्मान चंडीगढ़ में बैठे हैं रमान भाई, पछुला यादव भवन पे किए हैं, चाहे चंडीगढ़ हो, दिल्ली हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे अमृतसर हो, चाहे जम्मू हो, चाहे मुंबई हो, चाहे झारखंड हो, चाहे बंगाल हो, चाहे आपका आसाम हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, एमपी हो, आप लोगों का प्रेम मिलता है दास अशोक लाल यादव। एक कलाकार ने मुझसे कहा था कि तू कब भी रहा नागा पीपा, मैं हर समय इस बात को कहता हूं, विनोद भाई साक्षी गवाही है, गवाह है, कहा कि तू बिरहा कबो ना गा पैबा, बिरहा गा के टंकी ना गड़वा पैबा, मैं कह रहा हूं कि मैं प्रधान हूं, लेकिन बता रहा हूं कि बिरहा गा कर मैं प्रधान बना, और पहले मैं प्रधान नहीं कहता, मैं प्रधान होता मुझे जिला जानता प्रधान जी, लेकिन मुझे देश नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में भारत के रहने वाले लोग मुझे याद करते हैं, और मैं बिरहा गा करके टंकी अपनी गढ़वाने की क्या बात करूं, मैं गांव में लोगों की टंकी गढ़वा दिया, और 20 बेटियों की शादी में मैं 20,000 से ज्यादा की मदद किया हूं, लोग कहते हैं कि अशोक लाल हार जाएगा, हमके हार जाए तो हमारे का जाए, अरे गांव बनौले का बिगाड़ दे, तब बिगाड़ी का है कर तलवार ना बिगाड़ दे, फिर होगा फिर बीटीएम के शादी में मदद कर 20,000 भाव है, चौथे दिन जब बहिन भाई के तस्वीर उतार के सवाल कैलस, और सवाल का कैला खरी खरी का भाव है, अरे पूछो फोटो से बहिन यार, अरे अब के यार Thank you.
कोई वादा कैला भी रलवा अरखिया पबहिले हम आ जाइबा भवनवा अरे पूरा परिवार सत्तोरी के गैला रसिया तके के भेजो फिर लवा सिबा पर पाकिस्तान का कहिया फूटी अखिया के बेजब हो बिरनवा सीमा पर रखिया। आखिर में वह बहन मैं बताना चाहता प्रधान जी, जवान शहीद होते हैं उनकी मूर्ति बन जाती है, मजार बन जाया करते हैं, लेकिन मजार पे दीपक, मास्टर साहब आप तो जानते हैं कि मजार पे दीपक कभी कभी जल लिया करते हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि जवानों के घर में कभी कभी चूल्हे नहीं जलते। देखना है तो सगड़ी में रमेश यादव की दशा देख लीजिए, माँ का इकलौता बेटा शहीद हो गया, दुल्हन पूरा पैसा लेकर के चली, ये जवानों का इतिहास है। लेकिन मैं बताना चाहता रौना पार तिराहे पे जाएंगे तो तीन मूर्तियां लगी है डॉक्टर साहब, एक तरफ रमेश यादव, एक तरफ राम सूरज यादव, और लाट घाट वाले रोड पर गुलाब पटेल की लगी है। और गुलाब कहा था अपने साथी से कि मेरी दुल्हन से इशारा से कह देना कि मेरे मासूम बच्चे को लेकर के मेरे बाप बाप की सेवा करेगी, यही गुलाब की सच्ची श्रद्धांजलि हो। आज अपने प्रीतम की बोली हुई बात को फौजी जवान ने नोट कर लिया, और नोट करने के बाद मैं लेटर जब घर पे आया तो 28 दिन का बच्चा लेकर के वो गुलाब की औरत आज भी वही सभा पाठक में मौजूद है। कभी कभी लोग बुलाया करते हैं शोक भैया, फिर गुलाब कभी ना हो जाए, हाँ भैया हाथ जोड़ रहा हूं कि मैं नहीं गाना चाहता, भाव गुरु बिहारी गुरु पत्तू कान धन भी रोक की गाथा परमात्मा, गुरु बिहारी गुरु पत्तू कान धन भी रोक की गाथा, अरे स्वर्ग से मूर्ख कभी अरे फुल्लू का पिता पता नजरिया जबकि भारत का घूमे तया तो शोक लाल का पूर्वांचल बखरिया, नजरिया जबकि भारत का है।